जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैश होंगे, खुशपाश होंगे। आप देख रहे हैं जेके मोटर का जी नाजरीन। आज हमारे पास गाड़ी आई है जी, अली बॉन होंडा 2010 मॉडल है, ब्लैक कलर में, माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी है। आज जो इसका रिव्यू करेंगे। उम्मीद है कि आज की गाड़ी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल हमने ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिलते रहे। चलते हैं बिना टाइम इसके बाद गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अगर आपको घर बैठे गाड़ी बेचनी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इस नंबर पर आप अपनी गाड़ी की तस्वीर या वीडियो बनाकर बेच सकते हैं। और गाड़ी की तस्वीरें कम से कम 5-6 होनी चाहिए और आपकी गाड़ी फ्री में एडवर्टाइज। जी नाजरीन, अभी मैं खड़ा हूँ जी बैक साइड पर, ये बैक साइड का रिव्यू करा रहा हूँ। 2010 मॉडल है अली बॉन होंडा सिविक, ये आप रिव्यू कर सकते हैं। ब्लैक कलर में माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में है, 2010 मॉडल है। और क्या हाल है जी, ठीक हो? अच्छा जी, ठीक है, ठीक हो जी। 2022 मॉडल। अच्छा जी, ये गाड़ी मैं आपको रिव्यू करा रहा था, तो ये देख सकते हैं लाइट्स की बिल्कुल साफ़ है। ये भी मैं बैक पर आ गया हूँ, ये देखें इसकी लाइट्स वगैरह बिल्कुल ओके। ब्रेक लाइट इस्लामाबाद रजिस्टर है होंडा, ये कंडीशन आप देख सकते हैं, बम्पर टू बम्पर बिल्कुल साफ जेन्युइन हालत में। ये इसकी बैक स्क्रीन बिल्कुल ओके है जी, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ जी इसकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की कंडीशन आपको दिखाते हैं जी। अभी मैं लेफ्ट पर खड़ा हूँ, बैक पर ये लाइट्स वगैरह देख सकते हैं, पीछे से कंडीशन वगैरह आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये बॉडी कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट, फैमिली यूज़ कार है ये, इस तरह की कंडीशन है जी बिल्कुल साफ़। और छत की बात की जाए तो आपको इसमें सन रूफ मिलेगा और छत की कंडीशन बिल्कुल ओके, साफ़ सुथरी है। रूम चेक करें अंदर से। अच्छा जी, अभी साथ ही आपको रूम दिखाते हैं अंदर से। ये पेट्रोल है डीजल? पेट्रोल। अच्छा, ये पेट्रोल है जी, ये आप देख सकते हैं इसकी इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है। ये वो वाली। अच्छा, ये वाली ब्रेक है। अच्छा, ये यानी ब्रेक है। हाँ, ये चले सही है, ये देखें। अच्छा, ये पावर स्टीयरिंग आपको मिलेगा। ये एंट्री काफ़ी अच्छा लगा हुआ है अंदर का। ये डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन, आपको इसमें एंड्रॉयड टेप मिलेगी, माशाल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छी कंडीशन में। ये कोई स्पेस दी गई है काफ़ी अच्छी कंडीशन में। अच्छा जी, ये इस तरह का रिव्यू है जी, माशाल्लाह क्या बात है जी। ये इस तरह की कंडीशन है जी, आपको इसमें पावर विंडो मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा हुआ है और सीटें वगैरह काफ़ी अच्छी लगी हैं। पोशिंग रूम चेक करें अंदर, ज़बरदस्त पोशिंग की गई है माशाल्लाह जी। आपको इसमें सन रूफ मिलेगा, बैक साइड पर सीटें देख सकते हैं आप। अच्छा जी, ये रूफ है ऊपर से, माशाल्लाह जी क्या बात है जी, ऑटोमेटिक है जी, ठीक हो गया जी। वो वाली गाड़ी से ट्राइन को भाई मॉडल। अभी मैं आ गया हूँ जी पीछे, सीटें देख सकते हैं, ये एंट्री काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। ये इसकी सीटें जी बैक साइड, माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छी हालत है जी, ये देखिए माशाल्लाह जी। रूफ वगैरह बिल्कुल साफ़ अंदर से, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी गाड़ी है जी, साफ सुथरी मैट डले में जी। ये जो है जी सीट जाने वाले में। अगर मैं टायर की बात की जाए तो चारों टायर इसके न्यू है, आपको इसमें लोयरे मिलेंगे बहुत अच्छी कंडीशन में, मोड़ी गार्ड बिल्कुल साफ सुथरे। इधर से जो क्लियर हो गई है, ये पेट्रोल है, साइड मिरर बिल्कुल ओके, ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे, ये देख। जी नादरीन, अभी मैं खड़ा हूँ जी इसकी फ्रंट पर, ये फ्रंट का रिव्यू कर सकते हैं। 2010 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर है और होंडा अली बॉन्ड। ये अभी फ्रंट पर मैं खड़ा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, ये कंडीशन आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है। इसकी हेड लाइट देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है जेन्युइन हालत में, फॉक्स लाइट नीचे मिलेंगी आपको, बम्पर बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन, होंडा 2010 मॉडल और इस्लामाबाद रजिस्टर, काफ़ी अच्छी कंडीशन है जी। इसकी जो मैनेज करें बिल्कुल ओके है, आपको इसमें फ्रंट जो छत पर सन रूफ मिलेगा और साइड मिरर बिल्कुल ओके। ये आप देखें इसकी राइट साइड पर आप भी आ गया हूँ, इसकी चारों टायर के न्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बॉडी कंडीशन है बिल्कुल साफ़ है, राइट साइड की तरफ से टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं, चारों टायर के न्यू है, बॉडी कंडीशन बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन, ये देखें। अभी जो गाड़ी का जो अंदर से एंट्री है वो दिखा देता हूँ मैं आपको ड्राइवर साइड की तरफ से। ये इसकी डोर है जी, सीट टू सीट जाने वाले में बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी, आपको इसमें पावर विंडो मिलेंगी फुल ऑप्शन, की स्टार्ट
और ये इसकी सीटें वगैरह देख सकते हैं, अंटीर काफ़ी अच्छा लगा हुआ। और दूसरी बात यह कि आपको इसमें मैट डले हुए मिलेंगे, काफ़ी अच्छी जो लुक स्पेस दी गई है। और ये इसकी सीटें फ्रंट, बाकी ये स्पीड मीटर और डैशबोर्ड वगैरह आप देख सकते हैं, पावर स्टीयरिंग, ये इसका पावर स्टीयरिंग और डैशबोर्ड वगैरह आप देख सकते हैं। या जैसे फुल एसी, नो स्मोक, आपको इसमें एंड्रॉयड टैब मिलेगी अंदर से एलसीडी वाली। बाकी ये हैंड ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, सीटें काफ़ी अच्छी लगी हैं। रूम बिल्कुल अंदर से साफ सा रूफ मिलेगा। ये जो है पेट्रोल है 1800 cc। साथ ही मैं आपको ये बैक साइड डोर दिखा देता हूँ, ये देखें बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है जी। नाजी आपको मैं डिगी खोल के दिखाता हूँ अंदर से, डिगी की क्या पोजीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये इसकी डिगी खोल के, ये भाई यहाँ पर गाड़ियाँ धोते हैं, ये देख सकते हैं आप, आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर आपको जैक पाना, स्टपनी, ये स्टपनी, जैक पाना सब साथ मिलेंगे, ठीक है। स्टपनी नहीं है, ये भी स्टपनी डली हुई है, क्या बात है जी, कमाल की गाड़ी है। कई नए डलवाए हुए, चाबी नहीं डली इसमें, जेन्युइन है, फुल जेन्युइन है। अच्छा, गत्ते बिल्कुल साफ सुथरे, जेन्युइन है, में कोई एक्सीडेंट नहीं है। इधर से भी देख, ठीक हो गया जी। अभी इंजन कंडीशन दिखा दे जी आपको, ये इंजन कंडीशन है जी। अच्छा, ये पेट्रोल है जी, ये इंजन कंडीशन देखें जी, माशाला काफ़ी अच्छी कंडीशन है जी। ये इंजन कंडीशन है, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, जन्म हाथ में कोई एक्सीडेंट नहीं है, काफ़ी कल से क्लियर है, क्या बात है जी। पेट्रोल बैटरी में डली हुई है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन है जी। और ये इसका बोनट बिल्कुल साफ सुथरा, कोई एक्सीडेंट नहीं, जन्म हाथ में फुल एसी, नो स्मोक। ये आपने गाड़ी देखी होगी, मैंने रिव्यू कराया जी, 2010 मॉडल, इस्लामाबाद रजिस्टर, रिमोट और ये जो है मैनुअल है, फुल ऑप्शन। इसकी जो डिमांड है जी 21 लाख है, जो उसे खरीदेगा उसे ज़रूर कमी पेश की जाएगी। जो रबता नंबर है वो आपको स्क्रीन पर शोर होंगे। अगर आपको गाड़ी की मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो आपको इन नंबर पर मिल जाएगी। और काफ़ी काल इसके क्लियर है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, गाड़ी जो अपनी जैन हाथ में है, बम्पर टू बम्पर जैन हाथ में है, काफ़ी काल इसके क्लियर और नो टचिंग गाड़ी आप देख सकते हैं। कंडीशन आपने देखी होगी, 21 लाख इसकी डिमांड है। बाकी आई होप आपको गाड़ी बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल हमने ऐसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नई नई वीडियो मिल रहे हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, एक नई गाड़ी का समय लूँगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको घर बैठे गाड़ी बेचनी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इस नंबर पर आप अपनी गाड़ी की तस्वीर या वीडियो बनाकर बेच सकते हैं। और गाड़ी की तस्वीरें कम से कम 5 से 6 होनी चाहिए और आपकी गाड़ी फ्री में एडवर्टाइज। अगर आपको घर बैठे गाड़ी बेचनी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इस नंबर पर आप अपनी गाड़ी की तस्वीर या वीडियो बनाकर बेच सकते हैं। और गाड़ी की तस्वीरें कम से कम 5 से 6 होनी चाहिए और आपकी गाड़ी फ्री में एडवर्टाइज।